बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। शराब पीकर एवं नाबालिग चालक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। खैलांजी निवासी घनश्याम भारत धांडे ने नाबालिग बच्चे को दोपहिया चलाने के लिए दिया। मोहाड़ी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कार्रवाई की। लाखनी थाना अंतर्गत बोरगांव में खेत के कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम बोरगांव निवासी शिवशंकर श्याम कुंवर, उम्र 40 वर्ष है। लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुराने विवाद को लेकर मारपीट की घटना खंबाड़ी में हुई। घायलों की पहचान प्रशांत गजबीये, उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई। अडाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। 19 अक्टूबर की रात शहरवार तुमसर के शादा विद्यालय परिसर में ऋतिक उर्फ गौरी शंकर प्रकाश चाचेरे, उम्र 22 वर्ष को गांजा पीते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लाखनी के एक व्यक्ति ने एक महिला के साथ गाली गलौज की और घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। गाली देने वाले व्यक्ति का नाम मनोज पोहरकर, उम्र 40 वर्ष है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। विद्युत वितरण टीम ने चोरी की बिजली उपयोग करने के मामले में कार्रवाई की। मिलिंद यशवंत वानखेड़े, उम्र 30 वर्ष, निवासी आमगांव के ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तुमसर तालुका के धने गांव में एक विवाहित महिला ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम सुनीता अरविंद पटले, उम्र 32 वर्ष है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।